आप कैंटीन में, आई मीन आपको कभी कैंटीन में देखा नहीं। लेट मी इंट्रोड्यूस गाइस, ये मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड पार्क बोगम, एंड बोगम ये मेरा सून टू बी वाइफ किम जिमिन, और इन सबको तो तू जानता ही है। हमारे साथ पढ़ती थी ना, मुझे पता था कि जिमिन पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, पर इतनी भी बुरी नहीं थी कि अभी तक कॉलेज ही कंप्लीट नहीं कर पाई। ओ बोगम, स्कूल कंप्लीट करने के बाद हम दोनों ने बिजनेस स्टडी कंप्लीट किया है, फिर मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और जिमिन ने सोचा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हूँ। ओह अच्छा, वैसे जिमिन बहुत चेंज हो गई है, मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं। वो जिमिन, तुमने कभी कहा नहीं कि तुम मिस्टर पार्क को जानती हो? मैं खुद नहीं जानती थी, तुम्हें कैसे बताऊं? मतलब स्कूल टाइम में जिमिन सुगा और ते के अलावा किसी से बात नहीं करती थी, तो मैं सुगा के फ्रेंड होते हुए भी जिमिन मुझे नहीं पहचानती थी। बिजनेस जॉन, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो मिस्टर पार्क क्या है ना, जो हमको मिस्टर जून, तुम्हारा ये दिखावा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बेबी, क्या तुम्हें कुछ और खाना है? वैसे क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? छोटी उम्र में शादी कर ली, कहीं तुम्हें किसी ने फोर्स तो नहीं किया था ना? भूगम, ये तू क्या कह रहा है? आई एम जस्ट जोकिंग। ओके सुगा, मैं अभी चलता हूँ, मेरा एक क्लास है। ओके, सी यू सून। और हाँ, तुम एक बार हमारी शादी है तो अपने आप को फ्री रखना। श्योर, ये भी कोई बोलने की बात है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, बाय। ओके। होल्ड ऑन, कौन सा क्रश? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? वो कुछ नहीं है, किसी का छोड़ो, वो तो कुछ भी कहता रहता है। क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था, तुम्हारा स्कूल टाइम का क्रश? मुझे सच सुनना है, सिर्फ सच। क्या मिस्टर पार्क ही तुम्हारा वो सीनियर है जिस पे तुम्हें क्रश था? क्या तेने नहीं बताया था? क्या ते को सच में मिस्टर पार्क पे क्रश था? वो किटी, आप अभी तक यही बैठे हो? क्या आपको कुछ काम नहीं है? जाओ ना, जाके अपना काम करो, जाओ। तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है सुगा को भेजने की? लगता तो कुछ ऐसा ही है, ये लोग तो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ के ही मानेंगे। सुगा, तुम बताओ ना, तुम क्या बता रहे थे? किटी,
होती थी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। गाइस मुझे थोड़ा लाइब्रेरी में काम है, मैं जा रहा हूँ। गुस्सा हो? तुम्हें क्या लगता है? तब मैं बहुत छोटी थी। मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुम्हारा कोई क्रश था। तो फिर तुम्हें पता था ना, मिस्टर पार्क ही वही सीनियर है जिस पे तुम्हें क्रश था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी। इट्स ओके, वैसे भी अब तुम मेरी हो, उस बबल कम का कोई चांस ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा नाम मिस्टर मंकी से चेंज करके मिस्टर जेलस रख देना चाहिए। जैसा तुम्हें ठीक लगे। जंकुक, तुम पागल हो गए हो। हाँ, तुम्हारे प्यार। वो मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। Well, actions speak louder than voice, Mr. Monkey. बेबी अब गुस्सा छोड़ भी दो, मैं सुबह से माफी मांग रहा हूँ। अब से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाने बैठाऊंगा और तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। एक्सेप्ट मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मंजूर है, मंजूर है। सुन तो लो। जरूरत नहीं। ओके, यहाँ साइन कर दो। ओके। वैसे इसमें लिखा क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही लिखा है, अगर मैं ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट नहीं कर पाई तो तुम मुझ पे चिल्लाओगे नहीं, और अगर तुमने चिल्लाया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। क्या? रुको, अभी और भी है। और भी कुछ है? आई थिंक मुझे पहले पेपर्स पढ़ लेना चाहिए था। अगर ते नहीं जाती तो क्या तू नहीं आता? नहीं यार,
जानता हूँ और तू तो शादी के काम में बिजी रहेगा, इसीलिए मैंने ते के बारे में पूछा। ओह माय डियर फ्रेंड, मुझे ते का तो नहीं पता, पर जंकुक तुझे बहुत अच्छी तरीके से कंपनी देगा, तू फिक्र मत कर।